आज की वीडियो हम बात करेंगे अबाउट एसुस रोज फोन 6 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और ये मोबाइल किस किस्म का है सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, और इसकी लॉन्च डेट बताऊंगा पाकिस्तान में और प्राइस भी बताऊंगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही, ठीक है ना। तो मेक श्योर चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम लाजमी कम्प्लीट वॉच कर लें ताकि आपको कम्प्लीट नॉलेज हो सके इस वीडियो की, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसुस के यहाँ पर रोज फोन 6 की। तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको ना इसके रिलीज डेट कंफर्म करता चलूँ। देखें पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल से कभी ये रिलीज होगा, मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान में रिलीज होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ आपको। और जो जहाँ तक बात है ना प्राइस की, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के साथ आ रहा है। इसकी 1300 यूरो इसकी प्राइस है इंटरनेशनली, जिसको मैंने पाकिस्तान में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको कितनी प्राइस निकल कर आ रही है। देखें 2,76,000 प्राइस, ठीक है, 2,76,000 के करीब प्राइस आ रही है डायरेक्ट कन्वर्ट करने के बाद। जब ये पाकिस्तान में आएगा तो शॉपकीपर के मार्जिन अलग, फिर बाद में पीटीए के चार्जेस अलग, दूसरी सारी चीज़ें अलग डाल के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा हमें ये मोबाइल, ठीक है। तो मेक श्योर इस मोबाइल से दूर रहें आप, ठीक है ना, नॉन पीटीए अप्रूव ना खरीदें, ठीक है। जो तो आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं जहाँ पर ये मोबाइल ऑफिशियली तौर पर अवेलेबल है तो वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं ऐसा। तो बट पाकिस्तान में बाय ना करें प्लीज़, ठीक है। अगर ये ऑफिशियल अवेलेबल होता है पाकिस्तान में देन आप जाकर आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। देखें बात कर लें इंडिया की प्राइस की, तो इंडिया में यहाँ पर ये कन्वर्ट करके प्राइस आई है। इंडिया में मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं कि कितनी प्राइस आई है इसकी इंडिया में, ठीक है। तो 1,06,000 ये मैं डायरेक्ट बाहर की करेंसी से कन्वर्ट किया, तो मेरे ख्याल से इतनी कोई प्राइस होगी या इससे कुछ ज़्यादा होगी, 5-10,000 या इससे कुछ कम होगी। जिसको पता मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इंडिया की प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, पहले मैं आपको ना इसकी ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना मैंने इससे पहले काफ़ी सारे लोगों के ना रिव्यूज़ देखे हैं। ये यहाँ पर मैंने ना एक बड़े यूट्यूबर का रिव्यू देखा है MKBHD का, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि मोबाइल स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है, बट बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है जैसा कि कहा जा रहा था, ठीक है ना। स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट आईफोन जैसा नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर रिफ्रेश रेट की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें मिल जाएगा 165 का रिफ्रेश, जी 165 का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अभी इसकी ना डिटेल स्पेसिफिकेशन बाद में आता हूँ, पहले मैं इसके बारे में कुछ बताता चलूँ। और यहाँ पर कैमरास की बात कर लें, यहाँ पर देखें कैमरा शॉट्स में कुछ क्लिक किए हुए हैं, मैंने नहीं क्लिक किए हैं, जो जहाँ से मैंने फोटोज़ ली उन्होंने क्लिक किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनका ये कहना है यहाँ पर देखें कैमरा, ये कैमरा की मुझे कुछ फ़ोटो इतनी खास नहीं लगी। ये मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ, यहाँ पर इन्होंने सेंसर इस्तेमाल करा हुआ सोनी का सेंसर, जो कि हमें ओप्पो के मोबाइल में मिल जाता है, जिस ओप्पो की मेरे ख्याल से ओप्पो कुछ कोई फाइंड, मतलब मुझे इस वक्त नाम मॉडल का नाम याद नहीं, बट वो मॉडल की प्राइस $500-600 है, ठीक है। और जो ये जो मेरे ख्याल से अभी Note 2T आया है वन प्लस का, उसमें कंफर्म आप जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सेम सेंसर लगा हुआ है इसका, ठीक है ना। तो सेम सेंसर लगा हुआ Note 2T का, तो वो भी कोई लगभग $450-500 की प्राइस की रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले से तो ये, मतलब डिस्प्ले नहीं, ये कैमरे के मामले में इतना ज़बरदस्त मोबाइल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले लुक्स में देखें ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स दिए गए हैं, नीचे भी बड़े बड़े बेजल्स दिए गए हैं, बट मेरे ख्याल से इसको बस ऐसे ही इसकी हाइट क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि ऑन स्पेक्स स्पेसिफिकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मींस के मैं अभी आपको स्पेसिफिकेशन गिनवा कर फिर ही बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ज़रूर बताता चलूँ, इसकी हाइट काफ़ी क्रिएट की गई है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ना इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। ये आ गई हमारे पास स्पेसिफिकेशन, जी ये आ गई स्पेसिफिकेशन। देखिए आप एक फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें प्रोसेसर टॉप नॉच हो, डिस्प्ले ऑन स्पेक्स सबसे बेस्ट डिस्प्ले हो, ठीक है। आप एक फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें रैम सबसे ज़्यादा हो। आप एक फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके बेस वेरिएंट की यहाँ पर स्टोरेज हो 512 GB हो, तो ये मोबाइल है, ठीक है। और बात कर लें अभी जरा इस मोबाइल की अच्छी बातों की बुरी बातों की। देखें यहाँ पर हमें बैक पर भी एक डिस्प्ले मिल जाएगा 2 इंच का OLED डिस्प्ले। और यहाँ पर बात कर लें, ये मोबाइल 1300 यूरो का मोबाइल है, ठीक है, मतलब इतना महंगा मोबाइल। तो इसमें हमें IP68 की रेटिंग भी नहीं मिल रही, और मिल क्या रहा है देखें जरा, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, ओके। और ये ग्लास कौन सा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, और एलुमिनियम फ्रेम मिल रहा है। एलुमिनियम फ्रेम तो चलें ठीक है फिर भी, बट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 क्यों नहीं। अब
कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 डालने का क्या तुक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पर अगर अगर सोचा जाए तो ये खास तौर पर गेमर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो गेमर्स के काफ़ी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ। ठीक है, इस मोबाइल के हवाले से, ये मोबाइल इसमें प्रोसेसर लगा वो भी टॉप नॉच लगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1+। ठीक है, और जो डिस्प्ले वो इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, 1080p का डिस्प्ले है, जस्ट 1080x2448 यहाँ पर इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और 395 इसकी PPI है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये तो इससे ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले तो यहाँ पर सैमसंग के A53 में मिल जाएगा 5G में, वहाँ पे हमें एमोलेड प्लस डिस्प्ले है, और वो सैमसंग का डिस्प्ले तो उससे ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले होगा। माना कि 165 Hz का रिफ्रेश रेट है, बट यहाँ पर रेजोल्यूशन थोड़ी हाई होनी चाहिए, तो क्वाड HD होनी चाहिए थी रेजोल्यूशन। और यहाँ पर एंड्रॉयड 12 के साथ आ रहा है ये। ठीक है, 18 GB की यहाँ पर क्रेजी रैम लगाई गई है, और मेमोरी कार्ड स्लॉट मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से इस मोबाइल के अंदर। बेस वेरिएंट की स्टोरेज हमें मिल जाएगी यहाँ पर 512 GB। अभी मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पर अब फास्ट चार्जिंग पे चलें, फास्ट चार्जिंग बाद में बात करता हूँ, पहले मैं कैमरा से बताता चलूँ। देखें, कैमरा काफ़ी एवरेज लग रहे हैं। देखें, 50 MP का मेन सेंसर, 13 MP का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड डाला गया, और 5 MP का मोनो। एटलीस्ट ऑन स्पेक्स यहाँ पर कैमरा देखने से भी काफ़ी एवरेज ही लग रहे हैं। ठीक है, और सेल्फी कैमरा देखें, बैक कैमरा 8K वीडियो भी बनाएगा, 1080p वीडियो बनाएगा, 4K बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। फ्रंट वाला हमें मिल जाएगा 12 MP का, और ये जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा, कोई 4K वीडियो नहीं बनाएगा ये। यहाँ पर स्टेज स्पीकर मिल जाएंगे हमें, ठीक है, डुअल स्पीकर के साथ। 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगा, ये सोनी की तरह यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक को रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मजीद बात करें तो 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 65 W की फास्ट चार्जिंग। 65 W की फास्ट चार्जिंग की बजाय इन्होंने 150 W की फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी। रिवर्स चार्जिंग मौजूद है इस मोबाइल के अंदर, और एक काफ़ी बुरी बात इस मोबाइल में, फास्ट चार्ज यहाँ पर ना हमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिल रही है इसके अंदर। ठीक है, वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है मोबाइल के अंदर, Type-C 2.0 वगैरह वगैरह, और ब्लूटूथ 5.2, एंड यहाँ पर प्राइस इसकी है $1300। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बता दी मैंने आपको, इसकी रिलीज डेट बता दी पाकिस्तान में, और इसकी प्राइस बता दी इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही। ठीक है, तो मोबाइल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इसका मैं ना अनकरीब रिव्यू बनाकर अपलोड करूंगा, तब तक के लिए मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें मैं कुछ रिव्यू करने की कोशिश करी, खासकर इसके स्पेसिफिकेशन के हवाले से। देखिए, मैं आपको एंड में जरूर बताता हूँ, जैसे शुरू शुरू में वन प्लस आया था ना, जैसे कि उसमें उन्होंने बजट के अंदर मतलब $400-500 के अंदर उन्होंने डालना शुरू किया था स्नैपड्रैगन का मेन प्रोसेसर, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर होता था, जो कि एस और नोट सीरीज में आता था उस वक्त। तो यहाँ पर इस किस्म का कुछ करने की कोशिश की जा रही है, बट वन प्लस $400-500 की रेंज में होता था, ये आया है €1300 की प्राइस में, तो बड़ा डिफरेंस है इनकी प्राइस में, लगभग $700 का डिफरेंस है इस प्राइस रेंज में। तो मेरे ख्याल से दो से ज़्यादा वन प्लस खरीदे जा सकते हैं जो बजट वन प्लस होते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं वन प्लस की क्या प्राइस होती है। तो इसी किस्म के मजीद अपकमिंग वीडियोस के लिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट के लिए, मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।